उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है, जिसके तहत सड़क सुरक्षा के मद्देनजर रोलर क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर यह क्रैश बैरियर कारगर माने जा रहे हैं। ट्रायल के तौर पर इस प्रोजेक्ट के तहत सिरमौर जिला में 500 मीटर एरिया में रोलर क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए अधिशाषी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग अनिल शर्मा ने बताया कि इस पर 3,67,00,000 रुपए की राशि खर्च की जा रही है। पहले चरण में NH 503 पर 300 मीटर जबकि NH 907A पर 200 मीटर पर रोलर क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं। अधिशाषी अभियंता ने कहा कि पहली मर्तबा देश के भीतर यह ट्रायल किया जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि गाड़ी के रोलर क्रैश बैरियर में टकराने से गाड़ी को नुकसान नहीं होगा। गाड़ी सड़क से बाहर जाने की बजाय वापस सड़क की तरफ आएगी और अपनी स्पीड पकड़ेगी, जिससे दुर्घटना होने की संभावना है बिल्कुल कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां यह रोलर क्रैश बैरियर लगाए गए हैं, यहां पर बकायदा CCTV कैमरा लगाए जाएंगे, जिसके बाद देखा जाएगा कि दुर्घटना को रोकने में यह क्रैश बैरियर कितने कारगर है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट हाईवे ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, रोलर क्रैश बैरियर, जिसकी कोई कॉस्ट 3,67,500 रुपये है, जिसमें 300 मीटर रोड स्ट्रेच है वो मुबारपुर दलारिया रोड NH 503 का है और 200 मीटर स्ट्रेच NH 907A नाहन कुमारटी रोड का है, जो कि इसमें हम साइट पर हमने काम स्टार्ट कर दिया गया है। ये किस्म से फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है रोलर क्रैश बैरियर। तो रोलर क्रैश बैरियर में इसकी एक सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि इसमें जब भी गाड़ी स्ट्राइक करेगी तो इसमें पहले क्या था, इम्पैक्ट से गाड़ी क्रैश रहती थी, लेकिन इसमें इम्पैक्ट में के होने की वजह से जब इसमें इम्पैक्ट करेगा तो इसमें इम्पैक्ट एनर्जी रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएंगी। उससे क्या होगा कि एक तो गाड़ी की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी और गाड़ी फिर अपनी रीडायरेक्ट अपनी लेन के अंदर वापस आ जाएंगी। तो उसमें जो पहले जैसे कैजुअलिटी होती थी एक्सीडेंट क्रैश होने से, तो इसमें जितनी भी इसमें जो मैक्सिमम सेफ्टी होगी, इसमें कोई भी ऐसे कोई मतलब फैटलिटीज के चांसेस के अंदर बहुत कम रहेंगे। तो अभी मतलब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस जैसे किया जा रहा है तो पायलट बेस पर है, तो इसमें हम जहां हमारी साइट है वहां पर हम CCTV हमारे कैमरे लगेंगे, जिसमें इसकी डेली मॉनिटरिंग करेंगे और इसके बाद में क्या इसके रिजल्ट लगेंगे उसके पूरा एनालिसिस किया जाएगा, उसके बेस पर फिर इसकी एक रिपोर्ट डिटेल में तैयार की जाएगी। और हम लोग के गुजरात की कंपनी है RTTI, उसको रोलर क्रैश बैरियर का काम मिला है। ये रोड सेफ्टी पर्पस के लिए ये बनाया जा रहा है, फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है ये चीज़। और हम लोग का दो पैच का यहाँ है नाहन में, जिसके में पहला पैच का काम हम लोग शुरू हुआ है कल से, दूसरा पैच का आगे है। मेनली ये सर जो फर्टिलिटी रेट है ना रोड में एक्सीडेंट में, वो कम करता है। इसका सबसे जो आपका स्पीड से जो गाड़ी आती है जो इम्पैक्ट करती है साइड बैरियर में, वो इसका क्या काम है कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना उसको कम कर देता है, उसका रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और ये जो है वो फिर से उसी पाथ पे आ जाती है, स्पीड स्लो हो जाता है, जिससे कि इसका फर्टिलिटी कम हो जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।